السلام علیکم. फोटो नहीं है, वीडियो है. अल्हम्दुलिल्लाह, खैरियत बिल्कुल ठीक ठाक. जमाल बलोच. जमाल बलोच जी. जमाल भाई, ये बताएं कि आज आपने फर्स्ट टाइम क्या सफ़र किया है इस लोकल ट्रेन के अंदर? जी हाँ, शालादीप पे फर्स्ट टाइम सफ़र किया मैंने. अच्छा. काफ़ी सालों बाद. अच्छा, काफ़ी सालों जी हाँ. तो कैसा लगा आपका आज का एक्सपीरियंस? कैसा जी? माशाल्लाह बड़ा बेहतरीन. लेकिन कुछ ऐसा है कि इसमें जो है ना पानी की जो है सहूलत होनी चाहिए. बाकी माशाल्लाह ट्रेन जो है ना काफ़ी बेहतर है. सफ़र भी बहुत अच्छा रहा माशाल्लाह, और टाइमिंग भी बहुत अच्छी है. अच्छा, अभी बताइए कि इसमें पानी के अलावा और क्या इम्प्रूवमेंट की जा सकती है? बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जैसे स्टेशन पे मिल जाती हैं बच्चों की सहूलत की चीज़ें, जैसे डाइट वगैरह के लिए चीज़ें, चिप्स वगैरह, पानी वगैरह, चाय वगैरह, वो अवेलेबल हैं. बिल्कुल ठीक है जी. अच्छा, मुझे ये बताइए आप कि लोकल ट्रेन्स की तरफ लोगों का रुझान क्यों इतना ज़्यादा नहीं था, और अब अचानक से क्या हुआ कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इसकी तरफ तवज्जो की और लोग इसकी तरफ आ रहे हैं? असल में पहले ट्रांसपोर्ट काफ़ी टाइम से जो है ना इस तरीके से परेशानियां बहुत थी, किराए बहुत थे. ठीक है, अब इस सफ़र में ऐसा है कि बच्चे माशाल्लाह अच्छे
सहूलत घर जैसा माहौल हो जाता है, ठीक है ना, और वो सारी सहूलतें जैसे वाशरूम वगैरह है इस तरीके से। सही। और ये बताइए आपके गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के नाम को पैगाम लोकल ट्रेन के हवाले से। हाँ, ये देना चाहता हूँ कि जिस तरीके से इसकी टाइमिंग है ना, तो वो थोड़ी सही होनी चाहिए। बीच में कुछ इस तरीके से मेहरान जो निकली थी कराची से, तो एक बोगी थोड़ी सी आगे पीछे हो गई थी। वो उन इन चीज़ों को ज़रा देखा जाए, क्योंकि स्टेशन पे था तो ठीक, लेकिन स्टेशन से आगे होता मसला तो बड़ा मसला होता। पैसेंजर्स को कुछ कहना चाहेंगे कि वो कितना ख्याल रखें ट्रेन का? हाँ, पैसेंजर लाजमी बात है कि उन पर ज़्यादा डिपेंड करता है कि वो जो है ना कचरा वगैरह इस तरीके से और वाशरूम वगैरह इस्तेमाल करें, तो स्टेशन पे नहीं आगे जाके स्टाफ से आगे होना चाहिए। सही।